नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटोमेटिक तरीके से आईडी कार्ड को बना सकते हैं। जितने चाहे आप उतने आईडी कार्ड ऑटोमेटिक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी बड़े अच्छे आईडी कार्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे जाके साइज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपने पेज का साइज सेलेक्ट कर लेना, जिस भी पेज पे आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए A4 पेपर मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट करने वाला हूँ पेज का। उसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम आपके हमेशा 3 ही रखने आपने जा रखें, और नंबर ऑफ रोज उतनी रखनी है जितने आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं 30 आईडी कार्ड बनाना, तो नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे 10 आ जाएंगी। 10 मल्टीप्लाई 3 दोस्तों 30 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे अभी मैं 6 आईडी कार्ड बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आईडी कार्ड हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है टेबल। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, प्लस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज कंट्रोल ए कर लेना है। अब यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल प्रॉपर्टीज का। रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने इसकी हाइट रख देनी है 3.1 इंच। कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसकी विड्थ रख देनी है आपने 2.4 इंच, और ओके आपने कर देना। अब दोस्तों, ये सिलेक्ट ही है, मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया तो ये डीसेलेक्ट हो चुका है। अब आपने फिर से इस पर क्लिक कर लेना, जा कंट्रोल ए कर लेना है। उसके बाद आपने दोस्तों डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आपने इसकी विड्थ, लाइन की विड्थ है वो बढ़ा लेनी है, 3 पॉइंट कर लेनी है, और कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस कलर के आप आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स करना है, और आप देख सकते हैं ये इफेक्ट हमारे सामने आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाके शेप वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेनी है, और रेक्टेंगल शेप को इस शेप के अंदर ड्रा कर देना है। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से जहाँ तो आप जूम बढ़ा लीजिए, आईडी कार्ड आपका 100% पे ही जितना होगा उतना ही प्रिंट होगा। जूम बढ़ाने से दोस्तों एक्यूरेसी अच्छे से हो जाती है, यहाँ पे काम में कोई भी गड़बड़ नहीं आती है। इस रेक्टेंगल को इस आईडी कार्ड के रेक्टेंगल के अंदर ही ड्रा कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, शेप फिल पे जाके यहाँ पे आपने कलर कर लेना है। कलर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, वर्ड आर्ट ले लेनी है फर्स्ट वाली, जहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिख देना है जिस स्कूल के आप आईडी कार्ड बना रहे हैं। मैं अभी अपने सेंटर का नाम लिख रहा हूँ, साइन कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, टेक्स्ट रैपिंग पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाली कमांड जरूर लगानी है, अदरवाइज ये आपको दिखेगा नहीं। अब इसको एरोज कीज़ के साथ दोस्तों आपने सेंटर में कर लेना, एडजस्ट कर लेना। साइज वगैरह आप कम करना चाहते हैं विड्थ का, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाके फिर से एक शेप्स यहाँ लेनी है रेक्टेंगल वाली, और यहाँ पे एक साइड पे इसको ड्रा कर देना है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कलर भर लेना, जो भी आप कलर भरना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे रेड भरने वाला हूँ, और शेप आउटलाइन का कलर दोस्तों नो कर देना है, इस बात को याद रखें। अब यहाँ पे आपने अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है, ज़्यादा लाइन पे भी नहीं जाना चाहिए। इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे जाके यहाँ पे लिख देना है आइडेंटिटी कार्ड। इसका थोड़ा साइज कम कर लेंगे हम, और यहाँ पे ओके। उसके बाद यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ पे दोस्तों आपने आप साइड से पकड़िए ऐसे, तो ऐसे भी हमारा यहाँ से साइज छोटा हो जाता है। अब यहाँ से भी दोस्तों इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे ऐसे रोटेट करना है मैंने, यहाँ पे जो ग्रीन डॉट आता है वहाँ पे रोटेशन वाला ऑप्शन आता है। अदरवाइज दोस्तों नहीं पता चलता आपको, तो रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से भी आप कर सकते हैं रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, और यहाँ पे दोस्तों आपने इसके अंदर ही इसको एडजस्ट कर देना है, और फिट भी कर लेना है। एरोज़ कीज़ का यूज़ कर लेना, अप एंड डाउन एरोज़ कीज़ का, जितना आपको सही लगे फिट आ जाए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जूम को कम कर लेते हैं क्योंकि 100% पे ही हमारा ये प्रिंट परफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाके शेप पे जाके एक रेक्टेंगल लेना है फोटो के लिए। यहाँ पे फोटो भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ रेक्टेंगल को सेंटर में। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपने लिख देना है जो भी मैटर आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फादर नेम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एफ डाल के। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दी और यहाँ पे लिख दिया नेम। उसके बाद दोस्तों मैंने इंटर किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर। अब मैं दोस्तों सारा कैपिटल में लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे अगर कैपिटल में लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम स्मॉल में भी कर सकते हैं बाद में। रोल नंबर, उसके बाद दोस्तों मेन आपने लिखना यहाँ पे एड्रेस, और उसके बाद दोस्तों लिख देना यहाँ पे कॉन्टैक्ट। चार चीज़ें लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर एडजस्ट करना था तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट होने वाला है। इसके साथ ही मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक लाइन अलाइनमेंट कर लेनी है, पूरा बराबर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट करके इसका साइज कम कर लेंगे हम, 14 में साइज यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेना आपने, इसको बोल्ड कर देना है ताकि अच्छा लगे। अब लास्ट में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है वैलिड अप टू, कि कार्ड हमारा कब तक वैलिड रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2020 तक। दोस्तों इंसर्ट पे जाने के बाद शेप वाला एक यहाँ पे ऑप्शन लेना, और यहाँ पे आपने एक शेप ड्रा कर लेनी है। उसका जो भी आप कलर रखना चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके रख सकते हैं, और जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट प्रिंसिपल, तो ऐड टेक्स्ट करके इस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके आप लिख सकते हैं। अभी मैं नहीं, यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये सारा करने के बाद इस फोटो का साइज है थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, और अगर आपको स्पेस वगैरह छोड़नी है तो यहाँ से आप छोड़ेंगे। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं फिर से। तो ये हमारा बोल्ड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस फाइल को आपने दोस्तों कर देना है सेव। ये आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे वर्ड आर्ट पे जाके भी लिख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसे यहाँ पे साइज कम कर लेते हैं, और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाली कमांड लगा देनी है, और यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है साइड से पकड़ के। दोस्तों ये बिल्कुल साइज का छोटा हो जाएगा, और ये आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी है। पेन का लिखने के बाद फिर से इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंसिपल। साइज वगैरह कम कर दिया मैं, ओके। उसके बाद ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ से आपने साइज बिल्कुल कम कर लेना है, और इसको एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देनी है। अब दोस्तों ये आपने सारी सेटिंग कर ली है, उसके बाद ये सिलेक्ट करके आप इसको इटैलिक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप स्टाइलिश थोड़ा करना चाहते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फाइल को सेव कर देना दोस्तों, बस आपके आईडी कार्ड एक डिज़ाइन हो चुका है, देखिए ऑटोमेटिक हो जाएंगे बाकी। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, जैसे मान लो हमने रख दिया आईडी से हमने इस फाइल को सेव कर दी, तो ये हमारी फाइल सेव हो रही है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और चले जाना है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। दोस्तों जो जो आपने वहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, जैसे आपने नेम लिखना है तो नेम आपने यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है, उसके नीचे स्टूडेंट का नाम डाल देना है, फादर नेम के नीचे फादर नेम, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, एड्रेस के नीचे एड्रेस, और कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट, जो जो आपने इंफॉर्मेशन आईडी कार्ड पे लिखी होगी। जैसे मैं यहाँ पे 5 मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ स्टूडेंट के नेम फादर नेम। बस ऐसे ही आपकी यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी, ऐसे नेम सारे नीचे आते जाएंगे, 20-30 आईडी कार्ड जितने बनाने होंगे। अभी मैं 6 ही बनाने वाला था,
तो यहाँ पे अभी मैं एक लड़की है जैसे नाम इंटर कर रहा हूँ, नेहा देवी मान लीजिए, और यहाँ पे फादर नेम है वहाँ रख देता हूँ मैं जैसे राकेश पाल। उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके बाद दोस्तों एड्रेस डाल देता हूँ मैं, एड्रेस कैपिटल लेटर में। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना आपने। अब ये लिस्ट आप बना लीजिए, मैं थोड़ा टाइम सेव हो जाए उसके लिए मैंने पहले से नाम डाल दिए थे, तो लिस्ट बना लेनी है, तैयार कर लेनी है सभी स्टूडेंट की, और इस लिस्ट को आपने ऑफिस बटन पे जाके सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। अगर आपकी ये सेव हो चुकी है पहले से तो आप सेव एज कर सकते हैं। अब सेव दोस्तों आपने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि इस लिस्ट को हम जल्दी ही ढूंढने वाले हैं। तो बुक वन से मैंने इस लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव कर दिया, ये सेव हो चुकी है। अब हम इसको दोस्तों क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया मैंने। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली जो आपने आईडी कार्ड वाली फाइल बनाई थी उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने उस फाइल को ओपन कर लेना, जैसे आईडी से फाइल बनाई थी तो मैं आईडी ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, आपने कर्सर यहाँ पे रख देना, ये देखिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम आएगा, और मेलिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, लेवल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये अगर आप नहीं करते तो आपके आईडी कार्ड नहीं बनेंगे, थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा, तो बड़े ही ध्यान से जो जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा वही करने, अदरवाइज आईडी कार्ड ऑटोमेटिक नहीं बनने वाले। उसके बाद जो भी आएगा आपने ओके कर देना है, उसके बाद भी आपने ओके कर देना। अब यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो गलती भी करते हैं, यहाँ पे ओके करने के बाद दोस्तों वो बोलते हैं कि हमारे आईडी कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल जेड कर लेना है, कंट्रोल दबा के रखना है फिर जेड दबाना है। अब दोस्तों जेड दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल दबाने के बाद फिर जेड दबाया तो ये आईडी कार्ड हमारे वापस आ गए हैं, और ये देखिए हमारा एक फीचर आ चुका है, लेकिन इस पर क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है, और वो एक्सेल वाली फाइल अगर आपने डेस्कटॉप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था तो वो आपकी फाइल जाएगी डॉक्यूमेंट्स में। अभी मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है तो डेस्कटॉप पे ही होगी, और फाइल का नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है, अदरवाइज फाइल पे क्लिक करके ओपन फाइल कर लेनी है। ओपन करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है, उसके बाद दोस्तों इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नेम यहाँ पे आएगा, तो कर्सर मेरा यहाँ पे ही होना चाहिए, तो यहाँ पे नेम पे क्लिक कर दिया तो नेम आ गया। अब यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट कर लेना है, तो देखिए दोस्तों ये नाम आ चुका है। उसके बाद हमने फादर नेम के आगे कर्सर रखा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी और फादर नेम के आगे फादर नेम ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आती है कुछ, ये साइज की वजह से यहाँ पे हम, क्योंकि जो साइज है वो थोड़ा सा कम करेंगे, तो इन सभी को सिलेक्ट करके होम पे जाके साइज कम कर लेना, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर में भी एक स्पेस छोड़ी, मेलिंग वाले ऑप्शन पे जाके रोल नंबर के बाद रोल नंबर, एड्रेस के बाद दोस्तों एड्रेस, और कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये आपने सारा कुछ लिख लिया। अब दोस्तों इसको अलाइनमेंट करना है, इसके बराबर ही साइज रखना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज टूल भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ पे देखिए 12 साइज है, तो हम इन सभी का भी यहाँ पे 12 ही साइज कर लेंगे, और उसके बाद एडजस्टमेंट कर लेंगे जो भी एडजस्टमेंट कर मेन है दोस्तों अलाइनमेंट। देखिए ये सारा काम पहले कर लेना है। अब आपको लगता है कि जो मेरे आईडी कार्ड हैं वो बिल्कुल सही तरीके से तैयार हैं, डिज़ाइन बिल्कुल सही परफेक्ट है, सारा कुछ एरोज़ की इसका यूज़ कर लेना है, बिल्कुल फिट कर लेने हैं, उसके बाद ही आपने यहाँ पे क्या करना है, वैसे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, और उसके बाद ही आपने दोस्तों जो भी ऑप्शन यूज़ करना है उसके बाद एक ही क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपके आईडी कार्ड डिज़ाइन हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, उसके साथ ऑटोमेटिक फ़ोटो भी लग जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट लेवल कर देंगे,
तो हमारे ऑटोमेटिक जितने भी आईडी कार्ड है देखिए ये तैयार हो चुके हैं। अब फोटो कैसे लगाने हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, बड़ा ही आसान है। इस पर क्लिक करना है, जो आपने शेप बनाई है फॉर्मेट पे जाना है और सीधा आपने शेप फिल से यहाँ से पिक्चर उठानी है, कोई इंसर्ट वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। अब फोटो मैंने सेव की है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोल्डर स्टूडेंट का है, तो ये 12 यहाँ पे रोल नंबर लिखे हैं मैंने, स्टूडेंट के नाम से भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने रोल नंबर से इंसर्ट कर लेने हैं। बस ऐसे ही क्लिक करते जाइए और शेप फिल पे क्लिक करते जाइए और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फोटो इंसर्ट करते जाइए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, बड़े आसान तरीका है, इससे बेटर तरीका आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो इससे आप डिज़ाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने चाहें उतने आईडी कार्ड, ऐसे ही आपने आईडी कार्ड दोस्तों बना लेने हैं। अब कुछ फ़ोटो का साइज़ दोस्तों मैंने क्या किया हुआ, खुद फ़ोटो क्रॉप किए हैं तो यहाँ परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप शेप आउटलाइन भी इसकी नो कर दीजिए तो बड़ा ही परफेक्ट लगेगा। देखिए कोई आउटलाइन नहीं आ रही, तो फोटो में बिल्कुल परफेक्शन आ रही है और यहाँ पे हम इसको नो आउटलाइन कर देंगे। प्रोसेस क्या दोस्तों, सेलेक्ट कर लेना है और नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सॉरी अल्ट दबाना है और डाउन एरो का यूज़ करना है, तो आपके आईडी कार्ड आप देखेंगे अलग अलग हो चुके हैं, ऊपर वाले अलग हैं और नीचे वाले अलग हैं। फिर आप बाद में प्रिंट करके इसको अलग अलग, आपको क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया, बिल्कुल यहाँ पे कट कर सकते हैं आईडी कार्ड। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों बड़े अच्छे आईडी कार्ड आपके सामने डिज़ाइन हो चुके हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ज़रूरी आपको वीडियो चाहिए तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, और अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ एडवांस तरीके का कुछ भी तो आप हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं, वार्ड नंबर 4 हीरानगर मेन बाज़ार में मेरे पास सीखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।